दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की ओर से हाल ही में वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। एक तरफ इस लकी ड्रॉ को लेकर लोगों में जहां उत्सुकता देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लकी ड्रॉ की प्रक्रिया कैसी होगी, वैक्सीनेशन करने वालों के नाम किस तरह से इसमें शामिल किए जाएंगे, इस बात को लेकर लोगों के कुछ सवाल और शंकाएं थी, जिसको दूर करने के लिए बीसीए न्यूज ने पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले से बात की है। आइए देखते हैं दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर में बीते दिनों वैक्सीनेशन को गति देने के लिए नगर पालिका, तहसील और ग्रामीण अस्पताल प्रशासन की ओर से एडी चोटी का जोर लगाया गया। बावजूद इसके शहर की जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीनेशन केवल 40% पर अटका था। ऐसे में प्रशासन ने वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने या यूं कहें कि वैक्सीनेशन को सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाने के लिए न सिर्फ जन जागरूकता अभियान चलाया, बल्कि हर घर दस्तक मुहिम के तहत शहर भर में न सिर्फ दिन में बल्कि रात्रि शिविरों का भी आयोजन किया। इस बीच पालिका प्रशासन ने वैक्सीनेशन की और लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए बीते दिनों कोविड-19 वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ की घोषणा की थी, जिसमें 2 दिसंबर से 10 दिसंबर की शाम तक वैक्सीनेशन कराने वाले लाभार्थियों के लिए आयोजित लकी ड्रॉ में कुल 23,000 रुपये के नकद पुरस्कार भी रखे गए हैं, जिसमें पहला इनाम 10,000 रुपये, दूसरा 7,000, तीसरे के लिए 3,000 रुपये, चौथी इनामी राशि 2,000 और पांचवी राशि 1,000 रुपये रखी गई है। आगामी 12 दिसंबर को अंजुमन हाईस्कूल के मैदान पर इस ड्रॉ के नतीजे सामने आएंगे। मालूम हो कि इस ड्रॉ के बारे में शहर के लोगों में उत्सुकता तो जरूर दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ इस ड्रॉ को लेकर लोगों के दिलों में वैक्सीन लगाने वालों के नामों को इस बम्पर ड्रॉ में कैसे शामिल किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, ऐसे कुछ सवाल थे। इन सारे सवाल, शंका और आशंकाओं को दूर करने के लिए इन बीसीएन ने सीधे पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले से बात की है। आइए देखते हैं कि किस तरह ड्रॉ की इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा और किस तरह से इनाम घोषित किए जाएंगे। आणि मागील 2 तारीख ते 10 तारीख दरम्यान जे काही लसीकरण करून घेतलेलं आहे, प्रथम आणि दुसरा डोस, त्यांच्यासाठी आपण लकी ड्रॉ 12 तारखेला अंजुमन शाळेमध्ये ठेवलेला आहे। तर 2 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत ज्या नागरिकांनी लस घेतलेली आहे त्यांची यादी कोविन पोर्टलवर आपण डाउनलोड करणार आहे, त्यांच्या प्रिंट आपण त्या ठिकाणी सगळ्यांना लावणार आहे आणि सिरियल नंबरप्रमाणे आपण जेवढे लोक असतील त्यांना एक अनुक्रमांक देणार आहे आणि त्या सर्व अनुक्रमांकाच्या चिठ्ठ्या सर्वांचे समक्ष आपण त्या ठिकाणी ईश्वर चिठ्ठीद्वारे आपण 5 चिठ्ठ्या काढणार आणि त्याप्रमाणे त्यांचे चेक्स जे आहे त्या ठिकाणीच आपण त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करणार। तर यानंतरही अशा प्रकारचं लकी ड्रॉ आपण काढण्याबाबत विचार करत आहे। तर पुढील आठवड्यामध्ये सुद्धा सर्व नागरिकांनी आपापलं जे राहिलेले आहेत त्यांनी आपलं लसीकरण करून घ्यावं, हे अशा प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात आलं। मालूम हो कि प्रशासन के अथक प्रयास के बाद इस लकी ड्रॉ की घोषणा के बाद शहर में वैक्सीनेशन अब 60% पर पहुंच गया है, जो कि स्वागत योग्य बात ज़रूर है, लेकिन अब भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की ज़रूरत है। बहरहाल आगामी 12 दिसंबर को वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ के परिणामों की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। देखना अभी बाकी है कि वे कौन भाग्यवान होंगे जिसके हिस्से में उक्त इनामों की राशि के चेक जारी किए जाएंगे। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।